जय हिंद दोस्तों, ऑटोमोबाइल टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मारुति की सेलेरियो गाड़ी की हम लोग इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर सब कैसे चेंज करेंगे, सारा प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एयर फिल्टर और एसी फिल्टर को भी कैसे क्लीन किया जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको चेंज करने के लिए एक 14 नंबर का स्पिनर चाहिए। इसके अलावा ये ऑयल फिल्टर हम लोग चेंज करेंगे तो ऑयल फिल्टर के लिए एक बाटी ऐसा रेंच आता है वो चाहिए हमको। एक छोटा आई लेंगे और एक रेचेट लेंगे जिसकी मदद से हम चेंज करेंगे। तो अभी देखिए गाड़ी को मैंने हाइड्रोलिक जैक से उठा दिया है थोड़ा सा ये लिफ्टिंग गाड़ी को ताकि अंदर आसानी से हम ढुक पाए। तो अभी ढीला हो गया है कपड़ा, थोड़ा रेंच तो स्लिप हो रहा था तो कपड़ा इसके अंदर में लगा कर खोला गया है, इसलिए कपड़ा आप देख रहे थे। और ड्रेन प्लग भी ढीला। अभी देखिए ऑयल फिल्टर, यहाँ से ऑयल गिर रहे हैं। नया वाला लगाएंगे। जी चला जाएगा। अब ड्रेन इसको हम टाइट दे देंगे। नॉर्मल ही टाइट करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। तो टाइट कर दिया मैंने, पूछ किया था उसको हम लोग खोल लेंगे। तो ऑयल जब तक ड्रेन हो रहा है ये वाशर को हमको ज़रूर चेंज करना पड़ता है। तो ये नया वाशर हम लोग इसके अंदर लगा देंगे। तो अभी मेरा पूरा ड्रेन हो गया, अब मैं ड्रेन प्लग को टाइट करूँगा। स्पिनर से हम लोग इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि मेरा ऑयल लीकेज ना हो। बहुत ज़ोर से नहीं करना, नॉर्मल ही टाइट होता है बस। ये हमारा पुराना इंजन ऑयल ख़राब हो गया है देखिए। तो अभी मैंने जैक को डाउन कर दिया है तो हम लोग इंजन ऑयल को डाल देंगे। ये हम लोग का यहाँ से डालना है। तो देखिए नया इंजन ऑयल हम लोग डाल रहे हैं। अब इसमें 0W20 तो 0W40 दोनों ही डाल सकते हैं। स्टिक से हम लोग चेक कर लेंगे इंजन ऑयल लेवल। तो अभी देखो मैं आ जाएगा, फिर मैं कैप को भी बंद कर दूंगा। तो मैं अभी हम लोग को पानी डालना है। तो ये वाइपर का ये स्टोरेज है, यहाँ पे आप वाइपर का पानी डाल सकते हैं। तो ये इस कैप को कभी गर्म अवस्था में ना खोले क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और कूलेंट जब एक बार ठंडे अवस्था में खोलकर चेक कर ले कम होगा तो हमको थोड़ा टॉप अप कर देना है, जैसे मैं अभी कर दिया ऐसे ही आपको करना है। तो ये ब्रेक ऑयल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबलिंग है। तो ये मेरा लेबल ठीक है तो अभी ब्रेक ऑयल भी ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एयर फिल्टर को भी क्लीन करेंगे। तो यहाँ हमारा एयर फिल्टर है, इसको खोलने के लिए पहले इसको खोलना पड़ेगा और ये 10 नंबर एक सॉकेट खोलना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर से यहाँ लूज कर लेंगे। नंबर सॉकेट गोटी का मदद से हम लोग ये नट को निकाल लेंगे। होस को भी खोल लेना है हमको। अभी पूरा असेंबली आ जाएगा, ऊपर टानना है।
यहाँ 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 ये चार जगह में फंसा रहता है, वहाँ से हमको निकाल, इनको हम लोग निकालेंगे आराम से, खोल लेंगे इसको, खुल गया। ये हम लोग का एयर फिल्टर, इसको थोड़ा अच्छे से झा लेना है। टाइट कर दीजिए इसको।